नमस्ते देवी और सज्जनों, आशा ताई किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे चना दाल की बर्फी। यहाँ पे मैंने एक कटोरी चना दाल ली है, ग्राम से बोलो तो ये 100 ग्राम चना दाल है। और ये चना दाल को मैंने 2 घंटे के लिए पानी में भिगो के रखा था। यहाँ गैस पर मैंने एक कढ़ाई रखी है गर्म होने के लिए। कढ़ाई में 1.5 चम्मच घी डालेंगे। गरम होने के बाद ये दाल उसमें डालेंगे। दाल को घी में अच्छे से भून लेंगे एकदम ड्राई होने तक। दाल को भूनने में 7-8 मिनट का टाइम लगेगा। देखिए ये दाल अभी अच्छे से भून चुकी है, ड्राई हो चुकी है और भूनने से कम भी हो गई है। पहले गैस ऑफ कर देते हैं और दाल को एक प्लेट में निकाल लेते हैं। दाल को एक प्लेट में निकाल के ठंडा कर लिया है। दाल को मैंने मिक्सर जार में डाल दिया है। अभी ये दाल को पीस लेंगे और दरदरा सा पाउडर बना लेंगे। देखिए दाल को पीसने के बाद ऐसा पाउडर बना है, दानेदार पाउडर बना है। अभी उसी कढ़ाई में 1 चम्मच घी डालेंगे। घी की जैसी ज़रूरत पड़ेगी ऐसा घी डालते जाएंगे। कोई भी मिठाई घी में बनाते हैं तो उसका टेस्ट 2 गुना बढ़ जाता है। अभी पाउडर उसमें डाल देंगे, उसको अभी चलाते रहना है। इसमें घी कम लग रहा है, 1 चम्मच और घी डाल देते हैं। ये पाउडर एकदम ड्राई हो चुकी है और जो घी डाला था वो भी पूरा एब्जॉर्ब कर लिया है। खुशबू तो बहुत अच्छे आ रही है। अभी पाउडर अच्छे से सीख गया है और ड्राई भी हो गया है। अब इसमें ये इलायची पाउडर डालेंगे, डालेंगे दूध। अभी इसी में चीनी डाल देंगे। चीनी अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। अभी इसी में थोड़े से ड्राई फ्रूट डालेंगे। चीनी डालने से चीनी ने अपना पानी छोड़ दिया है और बैटर पतला सा हो गया है। इसको ऐसे ही चलाएंगे एकदम ड्राई होने तक। आप इसको ऐसे हलवे के जैसा भी खा सकते हैं जिसमें ड्राई फ्रूट डाल के, या इसकी बर्फी भी बना सकते हैं। लेकिन अपन इसकी बर्फी बनाएंगे। इसमें फूड कलर भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं फूड कलर नहीं डाल रही हूँ, ऐसे ही बना रही हूँ। चलिए ये बैटर अभी अच्छे से भून चुका है और ड्राई भी हो गया है। अब इसको निकाल लेंगे। बर्फी को सेट करने के लिए मैंने ये एल्यूमिनियम का ट्रे लिया है। ट्रे को घी से ग्रीस करेंगे। बर्फी वाला बैटर इसमें डाल देंगे। और स्पैचुला से इसको ऐसे दबा के प्लेन करेंगे। और ऊपर से थोड़े से ड्राई फ्रूट डालेंगे। ड्राई फ्रूट को भी स्पैचुला से ऐसे दबा लेंगे। इसको अभी 1 घंटे के लिए सेट होने के लिए रख देते हैं। चाहे तो आप फ्रिज में भी रख सकते हैं या बाहर भी ऐसे ढककर रख सकते हैं। मैं इसको ढककर 1 घंटे के लिए ऐसे सेट होने के लिए रख देती हूँ। बर्फी को रखते हुए 1 घंटा हो चुका है, अच्छे से सेट हुई है। अभी इसको पीसेस में कट करेंगे। अभी इसको कोई भी पीसेस में कट कर सकते हैं। बर्फी बहुत ही अच्छी बनी है।
मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ, बहुत ही सॉफ्ट है, सॉफ्ट और दानेदार, देखिए। तो चलिए तैयार है चना दाल की बर्फी। मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना और साथ में बेल आइकन भी दबा लेना। रेसिपी कैसी लगे कमेंट में बताना। तो चलिए मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ।